Realme Narzo 50। हाँ जी, आज हम Realme Narzo 50 के बारे में फुल रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे सभी धासु फीचर्स। लुक एंड डिजाइन, इस स्मार्टफोन का लुक एंड डिजाइन बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं जब आप इसको यूज करिएगा तो अंदर से आपको अच्छे फीलिंग आएंगे। और इसका कलर का बात करें तो यहाँ पर आपको दो कलर्स मिलेंगे, हाइपर ब्लैक एंड हाइपर ब्लू। ये दोनों कलर बहुत ही अच्छे हैं। डिस्प्ले, इस स्मार्टफोन में आपको 6.6 इंच के फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलेंगे जिनमें आपको रिफ्रेश रेट मिलेंगे 90 हर्ट्ज की। हाँ तो गाइस, आपको बता दें इस स्मार्टफोन में आपको डिस्प्ले साइज, डिस्प्ले रिजोल्यूशन एंड ब्राइटनेस एंड PPI ये सब कुछ आपको बेस्ट मिलते हैं। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का मिलता है। 90 हर्ट्ज का ना दे करके 120 हर्ट्ज का देता तो बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन कंपनी ये क्लेम करता है कि यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेडियो जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 90.7%। तो ये अभी कंपनी क्लेम करता है, लेकिन स्मार्टफोन आने के बाद अभी फुल पता चलेगा कि इसमें क्या है। मल्टीमीडिया फीचर्स, इस स्मार्टफोन में आप फुल एचडी प्लस वीडियो को देख पाओगे। एमोलेड डिस्प्ले है इसलिए आप सभी कलर का सही तरीके से एंजॉय भी कर पाओगे। प्रोसेसर, इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 का प्रोसेसर मिलते हैं। ये प्रोसेसर 5G है। इस प्रोसेसर में आप मीडियम टू हाई क्वालिटी में धूमधाम के साथ मक्खन के तरह गेम को खेल पाओगे, लेकिन स्मार्टली गेम को नहीं खेल पाओगे क्योंकि ये प्रोसेसर इतना भयानक नहीं है कि स्मार्टली आप गेम को खेल पाओ। कैमरा सेटअप, इस स्मार्टफोन में आपको कैमरा सेटअप मिलेंगे 48 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और साथ ही में आपको फोन में मिलेंगे 8 मेगापिक्सल फोन कैमरा। तो गाइस, यहाँ पर आपको कैमरा सेटअप मोटा मोटी ठीक ठाक ही मिलते हैं। यहाँ पर आप मीडियम क्वालिटी में पिक को ले पाओगे और आप हाई क्वालिटी में वीडियो को भी रिकॉर्डिंग कर पाओगे, क्योंकि गाइस किसी भी कैमरा का सबसे मेन चीज होता है फीचर्स। तो इस स्मार्टफोन में आपको फीचर्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं, इसलिए आप हाई क्वालिटी में भी पिक को ले पाओगे। और आप अगर एडिटिंग जानते हैं तो एडिटिंग करके हाई क्वालिटी में पिक को ले पाओगे और साथ ही में HDR को भी एनेबल कर देना। बैटरी कैपेसिटी, इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि लिथियम पॉलीमर टाइप बैटरी है। इसमें आपको फास्ट चार्जर मिलते हैं 33 वाट का। तो गैस, आप सोचते हैं कितने टाइम तक मेरा स्मार्टफोन चार्ज होगा, यही ना? हाँ, तो आपको बताते हैं इस स्मार्टफोन में आपको फुल चार्ज होगा आधा घंटा से लेकर 1 घंटा के अंदर अंदर। हाँ गाइस, आधा घंटा से 1 घंटा के अंदर अंदर ही होगा। और आपको बता दें इस स्मार्टफोन का जो प्राइस होगा वो होगा 16,000। हाँ गाइस, इस स्मार्टफोन का प्राइस 16,000 ही होगा। लेकिन इस स्मार्टफोन में आपको इंटरनल स्टोरेज मिलेंगे 4GB RAM और 64GB ROM जिनमें आपको एक्सटर्नल मेमोरी का भी ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर बात करें इंटरनल स्टोरेज टाइप की तो यहाँ पर आपको इंटरनल स्टोरेज टाइप मिलेंगे UFS 2.2 का ऑप्शन जो कि मीडियम है, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं। सेंसर, इस स्मार्टफोन में आपको सभी सेंसर मिलते हैं। फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है जो कि डायरेक्ट टच में काम करेगा, फेस एंड लॉक का ऑप्शन है एंड अदर जितने भी छोटे मोटे लॉक हैं उन सभी का आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी फीचर्स, नेटवर्क सपोर्ट 5G मिलते हैं, ब्लूटूथ V5.2 का ऑप्शन मिलते हैं, वाईफाई का सपोर्ट है, वाईफाई हॉटस्पॉट का सपोर्ट है, NFC का सपोर्ट मिलते हैं, GPS का सपोर्ट मिलते हैं एंड अदर जितने भी कनेक्टिविटी फीचर्स है छोटे मोटे उन सभी का आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो गाइस, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं इस वीडियो में, फिर मिलेंगे। जय हिंद।